तो दोस्तों इस शिद्दत की सर्दी में, जबकि आप देखेंगे चारों तरफ कोहरा पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा इस समय सर्दी है, हमारे देश का अन्नदाता किसान अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए, और आज लोहड़ी का त्यौहार भी है, तो शायद ये पहला मौका होगा कि ये जो त्यौहार है सड़क पे मनाया जा रहा है। तो ये भी एक दौर है, वक्त है, गुजर जाएगा, लेकिन सल्यूट है ऐसे लोगों को। आप देखिए इधर ये सड़क पे त्यौहार, पहली बार ये त्यौहार सड़क पे मनाते हुए, तो आप देखेंगे दूर तक ये टेंट लगे हुए हैं और लोग इस आंदोलन में आए हुए हैं। तो इन सभी लोगों के साथ आप अपना सहयोग दें, आप भी इनके साथ अपना वक्त निकालें और आएं, इनके साथ दो पल गुजारें। जो किसान आपके लिए इतनी मेहनत करता है, आप कम से कम एक दिन जरूर निकालें, एक पहर निकालें और इनके साथ आएं, इनके साथ बैठें, इनके साथ कदम से कदम मिलाएं और हुकूमत को ये बता दें कि ये किसान अकेले नहीं है, पूरा हिंदुस्तान इनके साथ में है। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे के नज़ारे। दोस्तों रात के करीब 9 बज चुके हैं और आप देखेंगे कि इस तरीके से जगह जगह लंगर चल रहा है और यहाँ पर खिदमत करने वालों की, सेवा करने वालों की कमी नहीं है। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे आके निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने ऑफिस से, हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो काम करके और बाहरी बाहर अपने ऑफिस से यहाँ पे आए हैं और आने के बाद इन किसानों के साथ वक्त गुजार रहे हैं, और ये जरूरी भी है, वरना आने वाला समय जो है कितना भारी है आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा इलाका दूर तक आंदोलनकारियों से भरा पड़ा है और एक भाई और देखिए यहाँ पर घोड़े के साथ, तो इस शिद्दत की सर्दी में जबकि हाथ भी सुन हो रहे हैं, ये किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों एक नज़ारा और आपको दिखाता हूँ, अब आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग अपना वक्त गुजार रहे हैं, कुछ किसान ट्रैक्टरों पर बैठ करके अपना वक्त गुजार रहे हैं। तो इस तरीके से ये किसान जो है अपना वक्त गुजार रहे हैं और कुछ हल्के फुल्के जो पल हैं वो इस तरीके से वक्त गुजर रहा है, लेकिन यकीन जानिए बड़े ही अच्छे लोग हैं यहाँ के, बड़ा खुलूस और बड़ा मोहब्बत से बात करते हैं, मिलते हैं, और जैसा कि शिद्दत की सर्दी है तो जगह जगह चाय का इंतजाम है, जगह जगह म्यूजिक बज रहे हैं और बहुत सारा उत्साह है यहाँ पर। साथ ही साथ ये सफाई का काम भी चल रहा है, आप देखेंगे कि हर तरीके से यहाँ पे इंतजाम पूरे हैं, सफाई करने के लिए यहाँ पे सफाई कर्मी लगे हुए हैं जो यहाँ पे फैली हुई गंदगी को साफ कर रहे हैं। दोस्तों मेरे साथ मेरा भाई, मेरा दोस्त आलिम मौजूद है। आलिम भाई क्या कहना चाहते हैं
भाई यहाँ किसानों के इसमें आंदोलन में सभी भाई सपोर्ट करें और सभी आवे, और किसान विरोधी जो बिल है जो गवर्नमेंट सरकार ने जो पास किया है ये तो वापस लेना पड़ा को, हर हाल में लेना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, इसे तो हम वापस लुआ के भेजे, भले ही हम देखो हम काम करने वाले हैं, हम कंपनी में जॉब करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, मैं हूँ बागपत का, बागपत का रहना हूँ, मगर मैं इसे सपोर्ट करने के लिए जब भी मेरा वक्त होता है तभी मैं यहाँ पे आता हूँ। बिल्कुल, यहाँ मैं आना पसंद करता हूँ, मैं यहाँ इन्हीं के साथ में हूँ, किसान का बेटा हूँ, और मैं इस बिल का बहुत ज्यादा विरोध करता हूँ, और बीजेपी सरकार गवर्नमेंट के पीछे इसीलिए मैं उसके खिलाफ हूँ बहुत ज्यादा। तो दोस्तों मेरे भाई के जैसे बहुत सारे नौजवान इस बिल का विरोध करते हैं और किसानों के साथ यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ेगा और एक दिन जरूर आएगा कि ये बिल वापस होगा और ये जो किसान इस शिद्दत की गर्म सर्दी में भी यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं इनकी ये मेहनत जरूर रंग लाएगी।